ये पहला एक ऐसा रेस्टोरेंट है दिल्ली में जहां पे सारे लाइव काउंटर्स हैं। इसको भाई हिंदुस्तान के तमाम अलग अलग साइड से यहाँ बनाने वाले कारीगर है हमारे पास। अच्छा चुन चुन के आए? चुन। ओए, 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 ओए। ये देख रहे हो इस विजन के लिए ना भाई 3, 2, 1 हाँ जी सत श्री अकाल जी, क्या हाल है? ऐसा है कि जिस जगह पे आज मैं हूँ ना, पहले बता दूँ जगह कौन सी जगह है, सेक्टर 10 द्वारका। अब कैमरा मुझको दिखा रहा है आपको, पर जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ना वो कुछ है अमेजिंग। बोले तो यहाँ ना 4 से 5 लाइव काउंटर है और ये नॉनवेज लवर्स का हेवन है। मेरे लेफ्ट पे यहाँ पे बन रहे गिलावटी उल्टे तवा के परौंठे के साथ, उसी के साथ में काउंटर है जहाँ बन रही है सीखे अपने मसाले के साथ है घुलने वाला काम, अभी जगह बताऊंगा। अच्छा राइट साइड पे है एक ग्रिल, बोले तो तेपेन्याकी बोलो, जहाँ पे वेजीज और पूरी की पूरी फिश सिंघाड़ा ग्रिल बनेगी, उसके साथ में एक तवा जहाँ पे कुलचा और नवाबी चिकन। आहा, उसी के बैक साइड पे काउंटर है जहाँ बिरयानी वगैरह बड़ी बड़ी हांडियाँ लगी हुई हैं और पीछे है कोरमा और चंगेजी। ये पहला एक ऐसा रेस्टोरेंट है दिल्ली में जहाँ पे सारे लाइव काउंटर्स हैं। जगह का नाम है अल कुरैशी कबाब, जो कि बना हुआ है द्वारका में, लाइक ए सेट है कि नहीं है। करना क्या, मिलना है, कुछ चीज़ें ऑर्डर करनी है। सबसे बड़ी चीज़ बताऊँ यहाँ पे, यहाँ रान लटकी हुई है और रान का हिसाब पता क्या, 6 घंटे पहले ऑर्डर करो, सस्ते रेट पर रान दे रहे हैं। वीडियो के अंत तक बढ़ रहे ना, कुछ चीज़ें ऑर्डर करेंगे, थोड़ी एंटरटेनमेंट, थोड़ी गप्पे, थोड़ा रिव्यू है, वो बहुत पानी आएगा। चलें, लेट्स गो गाइस। अल कुरैशी कबाब और ये देख लो सारे लाइव काउंटर्स, मैं आपको एक अगर दिखाता हूँ। यहाँ पे हो रहे गिलावटी की तैयारी, अभी मिलवाऊंगा आपसे, अभी तो ऐसे ही देख लो एक बार, ठीक है? आगे चले, यहाँ हो रहा है कबाब वाला काम, ये देखो जी है। इस तरफ देखो, ये बड़ी खास जगह है, ये देखो जी, यहाँ पे मैंने वो कहा था ना, ये देख रहे हो जी, मच्छी लाइव लगा रखी है, लाइव मतलब वो मैरिनेट, और साथ में वेजीज हैं। और इस तरफ चलें तो ये तवा लगा हुआ है जहाँ पे कुलचा, नवाबी चिकन और यहाँ फ्राइड आइटम है। और यहाँ है ओनर साहब, क्या हाल है जी? बहुत बढ़िया जी, आप सुनाएं। थैंक यू इन्वाइट किया आपने जी, यहाँ तो आपने नॉनवेज हेवन बना रखा है। हाँ, ये मुगलई खाने का एक हब है, 3-4 दोस्तों ने मिलकर यहाँ ये रेस्टोरेंट खोला है। हिंदुस्तान के तमाम अलग अलग साइड से यहाँ बनाने वाले कारीगर है हमारे पास। अच्छा चुन चुन के आए हैं? चुन चुन के। अच्छा एक सेकंड इस थॉट पे होल्ड करना, मुझे पीछे भी दिखाना है, ये वाला काउंटर रह गया था है। क्या हाल है, कैसे हो, ठीक हो? अरे वाह, ये देखो जी, ये क्या है जी, और ये चिकन कोरमा और चंगेजी, अभी आता हूँ दिखाता हूँ। थैंक यू। हाँ जी, कमाल कर रखा है, आप खाइएगा, यहाँ गुलाटी कबाब ट्राई करिए हमारे यहाँ के। मैंने कबाब खाने हैं, गिलावटी खाना है, मच्छी खानी है जो वहाँ पे ग्रिल पे हो रही है, मैंने कोरमा खाना है, चंगेजी खाना है और रान खाना है। सिकंदरी रान का तो हमारा मुकाबला ही नहीं है, 6 घंटे पहले ऑर्डर लेते हैं। वो तो बताया था आपने, मैंने बता दिया इनको में, ठीक है? चलो मैं खाना दिखाता हूँ। हाँ जी, हाँ जी सर, क्या लगे, कैसे हैं? बस बढ़िया, आप बताओ। अच्छा गाइस, ये देख लो, ये उल्टे तवे का परौंठा जी। जी सर। हैं, अरे वाह, देख रहे जी क्या बात, और साथ में यहाँ है गिलावटी। क्या होता है, एक प्लेट, प्लेट में दो आते हैं, चार पीस आते हैं? चार पीस आएंगे सर, 2 लखनऊ परांठे आएंगे, मुगलई परांठे दो आते हैं, परांठे एक फुल प्लेट के साथ जी, और 4 कबाब आएंगे। अरे वेरी गुड, ये हमारा स्पेशल है सर। क्या बात, स्पेशल है सर ये हमारा, इसके मसाले हमारे अपने तैयार होते हैं सर। अच्छा, ये हमारी अपने रेसिपी है सर, और मैं लखनऊ से हूँ, अकबरी गेट से। अच्छा लखनऊ से ही आप? जी सर। अच्छा, वो कह रहे थे उन्होंने सब चुन चुन के बन कारीगर आए हैं। अच्छा अच्छा, वेरी गुड जी। इस लाइन में सर मुझे 20 साल हो गए। वेरी गुड, आता हूँ आपके पास है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी दादा, कैसे हैं? फाइन, थैंक यू सर। कबाब तैयार कर रहे हैं जब से मैं आया हूँ जी, कहीं शूटिंग चालू नहीं की थी, पर कबाब यहाँ पहले तैयार होते हैं। ये कौन सा, मटन? ये मटन सीख है सर, स्पेशल। अरे वाह जी वाह, वेरी गुड। और ये चिकन सीख है स्पेशल सर। चिकन स्पेशल, बेहतरीन बनी हुई अपने मसाले से बनाई जाती है सर ये सर। अच्छा जी, गाइस मोटी मोटी बात बताऊं तो यहाँ पे ना दे, जो इनका ट्रेंड है, जो मैं समझ पाया उनका है लाइव काउंटर्स का ज़्यादा ट्रेंड, कि जो देना लोगों के आगे देना है, गर्मा गर्म देना और इस मौसम का पूरा लुत्फ़ उठाना है, समझ रहे हो, वो अलग गेम है यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया। ठीक है दादा, आता हूँ। अच्छा एक प्लेट में कितनी सीख आती है ये सर? एक प्लेट में 4 कबाब होते हैं, इतने बड़े 2 रॉडे होते हैं, 2 रॉडे होते हैं ना, 2 सीख होती है जी जी जी। गाइस वैसे एक चीज़ बता दूँ, ये आपने जो मसाला देखा है ना, ये मसाला है यहाँ से, ये देख लो जी, ये देख रहे हो जी, सो हर चीज़ को दिखाना है प्रॉपर तरीके से। कैसे, क्या हाल है दादा? बढ़िया।
लगा लो माइक, लगा लो कि क्लिप है। आ जाओ फिश बनाते हैं हल्की सी, हैं बनाओ जी फिश बनाओ बढ़िया सी। सो ये एक फिश एक प्लेट हुई ऑब्वियसली है। हाँ जी सर। सो ग्रिल फिश और ग्रिल चिकन भी होता है? ग्रिल फिश और ग्रिल चिकन, ग्रिल पॉम्पलेट। अच्छा पॉम्पलेट का, ओ ये थोड़ी ये देख लो। और गाइज ये देख लो यहाँ है जी रान, जब बात हो रही है ये देख रहे जी। हाँ 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 एनीवे। अच्छा वेजी इसके अंदर स्प्रिंग ऑनियन है, बीन्स हैं, पेपर्स हैं, हैं पेपर्स हैं। बहुत बढ़िया। ऑलिव ऑयल के साथ हम यूज़ करते हैं इसको। दादा आप ये तवा भी देख रहे हैं? हाँ जी। ये आप भी देख रहे हैं? भीगा कुलचा। हाँ आया आया, एक सेकंड आया। सो यहाँ पे चिकन को भीगा कुलचा कर देते हो हैं? हाँ जी, ये चिकन टिक्का नवाबी मुर्ग टिक्का है, दिखाना एक पीस अच्छे से। कुलचा, अरे वाह, ये है, ये चिकन टिक्का है, बहुत ही बढ़िया। तो गाइस वैरायटी देख रहे हो, और यहाँ पे आइटमें तली जाती हैं? हाँ जी, यहाँ पे चिकन फ्राइड होता है। अच्छा, चिकन लॉलीपॉप होती है, ये देख रहे हो यहाँ पे। सो ये है सारा फ्राइड का सेक्शन, ये वाला। ये हमारा चिकन कुलचा है नवाबी चिकन। अच्छा इसको भिगा के दोगे ना? हाँ जी, ये चिकन टिक्का है हमारा, इसको गिर जाए। नहीं ये हमारा हुआ, देख रहे हो इस मौसम में साथ साथ है। सो कुलचा कैसे होता है, किसी प्लेट के साथ अलग से लेना पड़ता है? सर पर प्लेट का हिसाब होता है। अच्छा। 200 रुपए का दो कुलचे हैं हमारे, और चार पीस चिकन टिक्का आता है इसके अंदर। सो एक पूरा पैकेज है, कॉम्बो है? पूरा एक पैकेज है, और अमूल बटर के साथ हम इसको बनाए थे। अच्छा जरा पीछे दिखा दोगे वो? हाँ जी सर बिल्कुल। वो आ जाओ पीछे, जो हंडियाँ हैं मैं घूम के आ रहा हूँ, एक सेकंड हंडियों पे आ जाओ। हैदराबादी दम बिरयानी है। अरे वाह, ये है जी हैदराबादी दम बिरयानी। ये हमारी हैदराबादी दम बिरयानी है। अरे खिला खिला चावल हैं, खुशबू। एक पीस निकाल के देखो अच्छा सा। ये हमारा पीस है, एक सेकंड ठहरो जी। हाँ हाँ हाँ, बहुत ही बढ़िया। वैसे देख लो ये तीन लगी हुई हैं, ये देखो जी, एक दो और ये तीन। हाँ जी, दूसरे में क्या है? ये हमारा बटर चिकन है, दिखाना एक पीस निकाल के जी। हाँ दिखा दिखा दिखा, पास ले पास ले, और पास ले और पास। ये देखो जी क्या बात है, ठीक है जी, थैंक यू, बहुत ही बढ़िया। और ये हमारी देसी घी से स्पेशल प्रिपरेशन होती है हमारी मटन अल कुरैशी। मटन अल कुरैशी? हाँ जी, दिखाना एक पीस निकाल के। ये कुरैशी की स्पेशलिटी, स्पेशल आइटम। अच्छा जी, मटन अल कुरैशी। वाह। सो ये भी देखो, एक लाइव काउंटर, सब देख लिया आपने? हाँ जी। इस जगह पे ना एक्चुअली मैं बताऊँ तो काम हो रहा है जेन्युइन। अच्छा साथ में दादा वो रान भी लगवा दो तंदूर में। हाँ जी, रान रान तंदूर में। हाँ जी क्या हाल है जी? बढ़िया सर। ये एक बार पीस दिखाओ पास से पहले मुझे इसका। ये है चंगेजी राइट? हाँ, लाल रंग का भुना हुआ टमाटर है, अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके भूनते हैं इसको। हाँ निकालो और पीस, बहुत अच्छे से निकालो, शर्माओ गिरी को। पीस तो दिखाना अच्छे से, एक मिनट ठहरो। अच्छा जी, और ये सर चिकन कौरमा है ये सर। हाँ दिखाओ दिखाओ दिखाओ, लाओ चिकन कौरमा दिखाओ। क्या बात है, बात कर रही है शक्ल यार, मज़ा आ गया देख के, मज़ा आ गया, वेरी गुड। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार है। राजेश कुमार, अच्छी बात। ये क्या बन रहा है जी? सर चिकन चंगेजी है सर। अच्छा इसको अलग से तवे में करते हो, अच्छे से भून के देते हो और मक्खन मक्खन में, मक्खन मक्खन मार के गार्निशिंग करके डालते हैं। बहुत ही बढ़िया। तो ना जब मेरे को कॉल आया था ना ओनर साहब का, तो उन्होंने मुझे कहा था शोएब दी होल कॉन्सेप्ट इज सो डिफरेंट, ना आई ऑनेस्टली थॉट कि क्या डिफरेंट होगा यार, आई बीन टू सो मेनी रेस्टोरेंट, कॉन्सेप्ट डिफरेंट नहीं होते, कुछ लाइव काउंटर होते हैं, कुछ किचन से होता है, बट यहाँ ना मैंने किचन अब तक नहीं देखा, और जो देख रहा हूँ मैं सब बाहर देख रहा हूँ, जो आपने भी अभी देखा ऑनेस्टली, ठीक है कि नहीं है? एनीवे करते हैं खाना वाना, देखते हैं बड़ी फिर से। गाइस ये फिश देख लो, पलटने वाले हैं इसको शेफ। खुशबू पता कैसे आ रही है यहाँ पे, पता लगता है रिच खाना। अच्छा मेरे लिए ये परांठा बन रहा है वो? तैयार है सर आपका चिकन सीख स्पेशल, चिकन सीख कबाब। अच्छा सीख मत चिकन लगाया? जी सर चिकन सीख कबाब। चलो और यहाँ हो गई जी गिलौटी कबाब। हाथ देखो कैसे चल रहे हैं यहाँ पे, अमूल मक्खन के साथ। एक सेकंड ठहरो यार, एक एक चटनी जोड़ लो। हाँ 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 जी, ये भी हो गया जी। हैं गिलावटी कबाब तैयार है सर आपका? वेरी गुड, कैसी शक्ल देखो, ये हो गए जी गिलावटी, और ये हो गए जी सीखे।
हो गई जी फिश डन। हाँ जी सर, आपकी ग्रिल फिश तैयार है? तैयार हो चुकी है। हाँ 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 हाँ, सही हो गई आपकी फिश ग्रिल विद वेजीज। साथ में वेजेस हैं इसके ऊपर, सेलवन सॉस है इसके साथ। कौन सी सॉस है? सेलवन सॉस। ये कुलचा आ गया हमारा। गाइस रान अभी ऊपर से आ रही है, वो ऊपर तंदूर होने गई है, और यहाँ पे हमारा तैयार हो गया चंगेजी। ये कोरमा सर, चिकन कोरमा है। तो ये एक प्लेट होती है? जी सर, ये क्वार्टर होता है। क्वार्टर होता है ना। हो गया तैयार? हाँ सर, ये तैयार हो गया चिकन कोरमा। हाँ जी, खाना सारा लग चुका है, टेबल की तरफ जा रहा हूँ। रान भी टेबल पे आ चुके हैं, एज पर देम अभी पहुँचा नहीं हूँ, आपको दिखाता हूँ। ओए होए होए, अच्छा जी। All right guys, the food's here. मोटा मोटा सारे लाइव काउंटर से मैंने सब कुछ ऑर्डर कर ही लिया, एंड इट्स लुकिंग नाइस यार। खाना ट्राई करते हैं, बिकॉज मुँह में बहुत पानी आ रहा है, एंड ऑनेस्टली द फूड्स लुकिंग रियली नाइस। हाँ हाँ, जल्दी आ जाओ, कबाब से चालू करते हैं। ये देखो जी, देख रहे हाउ इट्स ग्लेज्ड अप एंड ऑल, अच्छा नहीं लग रहा। ये देखो जी, अरे नरम, एकदम नरम है। All right, 3, 2, 1, subscribe, let's go in. हाँ। कई बार ना कबाब व्हेन यू चूइंग इट तो मतलब वो ऑथेंटिसिटी नहीं है। यहाँ पता क्या हो रहा है, मुंह में जाके गायब। शाम को एक अच्छा कबाब का पीस, साथ में रुमाली, कुछ प्याज, कई लोगों के लिए ना यही प्रॉपर डिनर होता है, एंड ये वाली बात है। द बैलेंस ऑफ द मसालाज आर करेक्ट, नॉट टू स्पाइसी, बच्चे खा सकते हैं। एंड अच्छी बात क्या है कि चटनी इज अकम्पनिंग वेल विद द कबाब। मज़ा आ गया। हाँ हाँ, आ जाओ खाते हुए चलते हैं, इधर आ जाओ। ये है जी उल्टे तवे का पराठा, साथ में लेते हैं कबाब गिलावटी। ये देखो जी, हाँ 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 हाँ, ये थोड़ा सा प्याज ज़्यादा नहीं रखना, और साथ में चटनी। पता ओनर साहब ने एक बात कही थी मुझे बिगनिंग में, हर एक कार्य करना ऑलराउंडर नहीं, स्पेशलिस्ट है हर चीज़ का, वो यहाँ पे देख रहा है। हर किसी का बैकग्राउंड अलग है, हर किसी के बनाने का तरीका अलग है, तजुर्बा अलग है, ढंग अलग है, और वो यहाँ पे दिख रहा है। सच बताऊँ तो परांठा इज डूइंग वंडर्स विद गिलावटी, हल्की हल्की वो मिठास आ रही है, समझो केसर में तैयार किया गया, पता चल रहा है। ये अच्छी बात है कि नहीं है? आ जाओ। अगर मैं नॉर्मली होता ना किसी रेस्टोरेंट में, अच्छी मतलब अच्छे डाइनिंग में, तो ना इसमें इसके लिए मैं कटरी यूज़ करता, बट यहाँ मैं यूज़ करूँगा हाथ। ये देखो जी, ये हल्की सी डिप लगाएंगे, ज़्यादा नहीं। ऑलराइट, हाँ मैंने स्पून मंगाया है यार, वेजीज कैसे खाऊंगा, फिश तो हाथ से खा ली है। हाँ जी, हल्के से वेजीज दे रहा हूँ साथ में, और एक छोटा फिश का पीस और। ये देखो, ये देखो जी, एक मुगलई रेस्टोरेंट में ऐसी फिश मिलना ना अपने आप में एक ट्रीट है, मजाक नहीं कर रहा। आ जाओ इधर आओ। फिश की वैसे एक बात बता रहा हूँ आपको, अच्छे से पकी हुई, राइटली पकी हुई थी, टेंडर थी। हाँ जी, ये है जी नवाबी टिक्का। आह हा, ये देखो जी, कौन कहता है अपने हाथ हमें साफ रखने हैं। इंडियन खाना अगर थोड़ा सा मेज़ हाथों में नहीं खाया तो क्या खाया, है कि नहीं है? स्पेशली मुगलई फूड यार, है राइट। ओके, मुझे नहीं पता
इसमें एक अचारी टेस्ट है, वो कैसे है मुझे आइडिया नहीं है, बट वो अचारी टेस्ट ना इसको बहुत यूनिक बना रहा है, एंड दैट्स अ गुड थिंग यार। और वही फ्लेवर्स कुलचे ने भी अब्जॉर्ब कर लिया है, तो वो जो कॉम्बिनेशन है ना, हुश ब्लास्ट मुंह के अंदर फ्लेवर्स का है। आ जाओ जी, आ जाओ, फूल हुई खमीरी, हु डजंट लाइक खमीरी यार, है ए वन तरीके से। आ जाओ, पहले खाते हैं कोरमा, रान खाएंगे लास्ट में, देख रहे हो पीस अंदर से। और ये किया ग्रेवी में डिप, ये लो जी। यू कैन नॉट फेल कोरमा, मैं सही बताऊं कोरमा मेरी उम्मीद से ऊपर है। ऑब्वियसली दीज थिंग्स आर गुड इज ओनली बिकॉज ये डिफरेंट है, मज़ा आ रहा है, बट कोरमा दिल ले गया, रिच है, इलायची काजू, इट्स ऑल रिच यार, मज़ा आ रहा है खाने में, एंड द ग्रेवी इज थिक। तो ना वो कोरमे की ग्रेवी जब थिक हो ना, खाने का मज़ा है। कई जगह क्या होता है, इतना ज़्यादा तेल तैयार होता है ना ऊपर, वो डालडा होता है या क्या होता है, बहुत रेस्टोरेंट्स करते हैं, ऑनेस्टली वो होता अच्छा है बट वो मज़ा नहीं आता, इसमें सिर्फ फ्लेवर्स हैं। आ जाओ ये जी चंगेजी, ये रहो जी, हाँ हाँ हाँ, सही बताऊँ चंगेजी लवर्स ना होते बहुत हैं, बट इसकी अवेलेबिलिटी कम होती है, कुछ ही खास जगह जहाँ आपको अच्छा चंगेजी मिलता है, स्पेशली पुरानी दिल्ली या करोल बाग वगैरह, यहाँ पे मिलना इट्स हल्का सा अनकॉमन, मेरे को लगता है द्वारका में तो होंगे चंगेजी का ऐसे रेस्टोरेंट्स। हाँ, इन दोनों में बेटर गया तो मेरे लिए कोरमा बेटर है, आई बी वेरी ऑनेस्ट, कोरमा टुक मी ओवर यार, मज़ा आ गया है कि नहीं है। आ जाओ जी, आ जाओ, फाइनल लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जल्दी 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 जल्दी, ओए होए होए होए, ये देख रहे हो इस विजन के लिए ना, ये देखो, और बोल दो ना अगर ना समझ आए चीज़, ये देख रहे हो जी, देखो निकाले हल्का सा पीस, इसको ना आप कैसे भी खाओ, रुमाली में खाओ, ऐसी खाओ, रोटी के साथ खाओ, मैं इसको ऐसे ही खाऊंगा। सच जानते हैं लोग मेरे एक्सप्रेशंस को देख के, मैं सही बता रहा हूँ, कई लोग कहेंगे 1200 महंगी है, आप ढूंढ के दिखा दो, मैं आपको बोलता हूँ, मैंने बड़ी जगह से रान खाई है, 2000 2500 1800 हर किसी का रेट है यार, रान का साइज़ भी मुझे अच्छा लग रहा है, और 1200 रुपये इज़ नथिंग, चार लोग 300 रुपये के हिसाब से रान रात को खाओगे, मेजर एंड प्लीज़ इट्स नॉट अ पेड प्रोमो, इट इज़ जस्ट अबाउट शोइंग गुड फूड, यार लाइव काउंटर्स देख के मैं वैसे ही खुश हो गया था। एनीवे जितना खाता खाता हूँ, बाकी पैक कराता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। ऑलराइट गाइस, व्हाट अ वंडरफुल मील यार, दिल खुश हो गया। आई थिंक बड़े अरसे बाद ना ऐसा लगा कि मैं दिल्ली में नहीं हूँ, क्योंकि ऐसे ना दिल्ली में रेस्टोरेंट्स कम मिलते हैं जहाँ पे इतने लाइव काउंटर्स हो। जेन्युइनली अल कुरैशी कबाब जगह का नाम है, द्वारका सेक्टर 10 में बना हुआ है, यहाँ पे आपको मिलेंगे सर, उनसे मिल लेना, ऑर्डर वॉट एवर यार, मेरे को सब अच्छा लगा और ये जेन्युइन रिव्यू है, मेरी बात मानो, कोरमा ज़रूर करना, और रान कर सकते हो, रान करना आपका दिल खुश हो जाएगा, ठीक है कि नहीं है। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल विल ग्रो, इंस्टाग्राम पे अरोरा शोएब एंड फेसबुक पे शोएब अरोरा व्लॉग्स लिखेंगे, वहाँ भी फॉलो कीजिए, दैट विल बी इट, बहुत जल्द मिलूंगा, अंटिल देन टेक केयर, हैव फन।